हिंदी कथा साहित्य में एक विख्यात नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद का यथार्थ नाम धनपत राय था। बाद में धनपत राय प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू करता है। अपनी रचनाओं में भारतीय गांवों का और ग्रामीणों का सीधा साधा चित्रण प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम के सिपाही जैसे कई नामों से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद विख्यात है। प्रेमचंद जी के बारे में खंडों तक हम बोल सकते हैं। इस कहानी में ईदगाह नामक इस कहानी में प्रेमचंद जी हामिद और उनके दोस्तों के साथ हामिद की दादी आमिना का भी चित्रण किया है। इनके माध्यम से भारतीय गांवों का यथार्थ चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गांव के गरीबी, गांव गरीब बन जाने का कारण जैसे कई विषय इस कहानी में बताया गया है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। पूरे गांव के लोग ईद को स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन आमिना तैयार नहीं है, क्योंकि आमिना के घर में आमिना और उसकी पुत्र का बेटा हामिद ही है। हामिद के अब्बाजान और अम्माजान का देहांत हो चुका है। बड़ी कठिनाई से आमिना हामिद को जो चाहिए वो सब दे रहे हैं। उसी बीच ईद का आना ढेर सारी समस्याएं आमिना के लिए प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात यह है, त्योहार आते वक्त बच्चों को कुछ न कुछ खरीदने की इच्छा होगी। साथ ही गांव के अन्य लोग भी इस उत्सव में भाग लेने के लिए उस घर में आएंगे, तो उन सबको कुछ न कुछ मिठाइयाँ देना पड़ेगा। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा तो आमिना के पास नहीं है, इसलिए आमिना पूछ रही है किसने बुलाया था इस निगोडी ईद को। जो भी हो, हामिद को ये पता नहीं है कि उसका माता पिता का देहांत हो चुका है, वो कभी वापस नहीं आएंगे। आमिना ने ऐसा उसको बताया है। अम्मी जान और अब्बा जान दोनों वापस आएंगे, ढेर सारे सम्मान लेकर, ढेर सारे चीज लेकर, अपने बेटे को देने के लिए ढेर सारे चीजें लेकर वे आएंगे। आशा तो बड़ी चीज है, प्रेमचंद जी बता रहा है, आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा। उस आशा के कारण हामिद जी रहा है। इस तरह ईद आया और ईदगाह जाना है। अभी ईदगाह तो गांव में नहीं होता, ईदगाह तो होता है कहाँ, शहर में। तो शहर में गांव के सभी उठे बच्चे लोग जाते हैं, हामिद भी उनके साथियों के साथ वहाँ जाते हैं। तो बड़ी कष्ट झेलकर आमिना 3 पैसा हामिद को देता है, कुछ न कुछ खिलौना खरीदने या कुछ मिठाई खाने के वास्ते। इस तरह वे शहर की ओर बढ़ते हैं
और बीच में आम का बगीचा देखता है, लीची का बगीचा देखता है, पुलिस थाना देखता है, वहाँ कसरत करने वाले लोगों को देखता है। फिर ये बच्चे अपने गांव वाले और शहर वालों का तुलना भी करता है। इस तरह वे उधर पहुंच जाता है ईदगाह में। ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद वे मेला देखने के लिए निकलते हैं और बच्चे खिलौना, मिठाई आदि खरीदते हैं, खाते हैं। लेकिन बेचारे हामिद को किसी भी चीज लाने का मन नहीं होता। उनके मन में तो आशा तो रहती है कि कुछ ना कुछ खाना है और कुछ ना कुछ खेलना है, किसी न किसी ओ खेलने की चीज़ों में चटना है। लेकिन सिर्फ 3 पैसा है, 3 पैसा ऐसा खर्च करना सही नहीं है। तो वे कुछ नहीं करते, उनके दोस्त लोग ठेसर एक खिलौना खरीदता है, मिठाई खाता है। ये सब करने की इच्छा हामिद को भी है, लेकिन वो कुछ भी करता नहीं। इस तरह घूमते घूमते हामिद एक लोहे की दुकान के सामने से घूमता है तो वहाँ एक चिमटा उसके नज़र में पड़ता है। अचानक उसको ऐसा लगता है वो चिमटा खरीदना है, क्योंकि उसके दादी माँ की हाथ हमेशा आग में जल रही है। तो वो उधर जाकर पूछता है वो चिमटा कितने का है। तो जवाब मिलता है 6 आने का। बेचारा हामिद के पास तो 3 आना ही है, फिर भी वो पूछता है 3 आना में दे पाएंगे। दुकानदार उसके लिए सहमत होता है और 3 पैसे में देता है। हामिद के पास चिमटा देकर बाकी लोग उसको उस पर मजाक उड़ाता है, लेकिन हामिद समझाता है वे लोग जो चीज खरीदा है वो जल्दी ही टूटने वाला है। लेकिन हामिद का चिमटा टूटेगा नहीं, क्योंकि वो उतना मजबूत है। तो महमूद पूछता है ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद का जवाब देखिए, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहो तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर बहादुर शेर है चिमटा। इस तरह पहले उनके दोस्त ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उनको मानना ही पड़ता है कि हामिद ने जो कहा है वो सही है। इस तरह वे लोग अपने गांव में वापस पहुंचते हैं। पहुंचने के थोड़े देर बाद ही बाकी साथियों के खिलौने का सत्यानाश होता है। हामिद बड़ी उम्मीद के साथ चिमटा लेकर अपने दादी माम के पास पहुंचता है। ये देखकर वह चौंकी। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर आमिना चौंकी, ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या ये चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। देखिए यहाँ प्रेमचंद जी यह बता रहा है कि बच्चा अपने चारों ओर जो हो रहा है उस पर बहुत अच्छी तरह देख रहा है, समझ रहा है, उसे कुछ न कुछ निर्णय वो ले रहा है। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूटे
हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया आमिना बालिका आमिना बन गई। यहाँ बुढ़िया आमिना कुछ पलों के लिए बालिका बन जाती है और चिंता करती है ये क्यों लाया था ये चिमटा। लेकिन हामिद जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति के समान उसके उपयोगिता के बारे में सोचता है और वो चिमटा लेता है। यही इस कहानी की विशेषता है। इस कहानी में प्रेमचंद जी हमारे भारतीय गांवों का सीधा साधा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गांव के गरीबी, गांव के लोग गरीब होने का कारण और हमारे समाज में बढ़ रहे रिश्वत आदि का प्रभाव जैसे कई समस्याओं के बारे में ईदगाह नामक कहानी में चर्चा की है। इस तरह हम कह सकते हैं ईदगाह एक सफल कहानी है।